हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबीज होम स्टूडियो। आज मैं आपसे कुमकुमादि तैलम का रिव्यू शेयर करना चाहूँगी। ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक कंपनी का है। इसके मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मैंने नायका पे देखे थे, बट मुझे मैंने फर्स्ट मैंने कामा आयुर्वेदा का यूज़ किया है, बट मुझे कुछ उन लोग उसमें इतना सारे लिखे हुए रहते हैं कि बोलते हैं कि स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है एंड ऑल, बट मुझे उसमें उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाया। वो इतना कॉस्टली भी है, मुझे सेम एग्जैक्ट इफ़ेक्ट ये आयुर्वेदिक कुमकुमादि तैलम का मिला है। एग्जैक्ट उन लोगों के इंग्रीडियंट्स भी सेम हैं। मुझे इससे मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और ग्लोई हुई है, ग्लो आया है मेरे फेस पे। मैं सिर्फ थोड़ा अभी आपको ये एक बॉटल 6 मंथ्स तो आराम से चलेगा। इसका कॉस्ट सिर्फ 400 रुपीज़ है, यू कैन सी, और मैंने सिर्फ इतना ही यूज़ किया है। ये आपको कामा आयुर्वेदा का जो इफ़ेक्ट है सेम एग्जैक्ट वही इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। इसमें कोई डिफरेंस, इतना भी डिफरेंस नहीं है इसमें कामा और आयुर्वेदिक में, एग्जैक्ट इफेक्ट है। इवन ये आपको आपके स्किन को रेडिएंट बनाता है, स्पॉटलेस ब्राइटनिंग स्किन इस पर लिखे हुआ है, बट मेरे मुझे पिंपल्स के मार्क्स थे, वो मेरे पिंपल्स के मार्क्स लाइट हुए हैं, पूरे को नहीं गए हैं, कम्प्लीटली नहीं गए हैं, बट मुझे मेरे स्किन में जो पिंपल्स के मार्क्स थे मेरे वो मार्क्स गए हैं, इससे लाइट हुए हैं। इवन मेरे स्किन कि आप लोग को तो पता है विंटर में स्किन बहुत ड्राई होती है, तो मैं ये यूज़ करती थी मेरे फेस के लिए। आप ये बॉडी के लिए भी यूज़ करते हैं यूज़ कर सकते हैं। मैं रात में सोते समय अपने हैंड्स में यूज़ करके सोती हूँ ये, क्योंकि मुझे इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा दिखा है। मेरे स्किन इससे मुझे ज़्यादा ब्राइट नहीं, थोड़ी ब्राइट दिखी है। मुझे 1 मंथ में इतना ही यूज़ हुआ है। आप चाहें तो आपको ये 6 मंथ चलेगा। आप कामा आयुर्वेदा एक ब्रांड है इसलिए इतना महंगा है, लेकिन इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं पूरा यूज़ करके ही रिव्यू दे रही हूँ। मैंने वो भी यूज़ किया है, ये भी यूज़ किया है, बट मुझे दोनों के इफ़ेक्ट सही सेम दिखे हैं। इवन मुझे जब मैं कामा का यूज़ करी थी तो मुझे एक दो पिम्पल्स भी आए थे, बाद में मुझे नहीं आए, लेकिन मुझे ये जब मैं ऑयल यूज़ करी तो मुझे इसका इसमें से ना मुझे पिंपल्स आए ना कुछ आए, बट मुझे पिंपल्स के मार्क्स मेरे लाइट हुए हैं। ये ऑयल अपने स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ यूज़ करिए और मुझे रिव्यू देना। मैं ये ऑयल अपने फेस के लिए ट्राई करना चाह मैं ऑलरेडी मैं फिर से एक कामा का बॉटल मंगवा रही थी, बट मैंने जब देखा तो मुझे ये ऑयल अमेज़ॉन पे जब मैंने ये देखा, इसके रिव्यूज़ देखे, फिर मैंने नायका पे देखा तो भी इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैं ये ऑयल परचेज़ करी और मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसका और एक सैफ्रन ऑयल आता है, लेकिन मैंने अभी उसे यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट एग्जैक्टली कामा का ही है। वो सिर्फ एक ब्रांड है, ब्रांड की वजह से इतना कॉस्टली है, बट ये इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं। उल्टा मैं आपको ये बोलूँगी कि इसमें आपकी स्किन, मुझे ये प्रोडक्ट से मुझे मेरी स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट लगी है। आप कंटिन्यूसली यूज़ करिए, 1 मंथ आप कंटिन्यूसली यूज़ करिए और मुझे ज़रूर रिव्यू देना। अगर किसी को पिंपल्स नहीं है, उनकी स्किन ड्राई है, अगर पिगमेंटेशन है तो कम्प्लीटली तो नहीं जाएंगे, लेकिन लाइट तो पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट्स मिले हैं मुझे। इसमें चंदन है, केसर है, मजिस्ता है, मजिस्ता हमारे स्किन को ब्राइटन करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कामा पे भी देख सकते हैं, कामा आयुर्वेदा का भी, लेकिन कामा आयुर्वेदा वाले इतने सारे इंग्रेडिएंट्स की हमें वहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा है, लेकिन इन लोग ने पूरा लिखा है और आप गूगल कर सकते हैं। आप रिव्यूज़ देखिए इसके, आप अमेज़ॉन और नायका पर रिव्यू देखिए, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि कामा से अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे दिखा है, क्योंकि मुझे जब मैंने यूज़ किया था, कामा तो बहुत कॉस्टली है, बट उन लोग ऐसा बताते हैं कि बिल्कुल सिर ब्राइट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। वो सिर्फ एक ब्रांड की वजह से इतना कॉस्टली बिक रहा है। अगर आप जो
उसको परचेस नहीं कर सकते किसको जिसकी को वो कॉस्टली दिखता है, तो आप प्लीज़ ये ट्राई करिए, एग्जैक्टली वही आपको इफेक्ट मिलेगा, आपको उससे अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपके स्किन में। लेकिन आप प्लीज़ एटलीस्ट 1 मंथ 20 डेज यूज़ करिए, आपको इफेक्ट 100% मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट दिखेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा। मेरी स्किन इससे बहुत अच्छी हुई है, आप लोग भी यूज़ करिए, ये बहुत अच्छा। आपको सिर्फ टू ड्रॉप्स आपके फेस पे आप मसाज करके 10 मिनट आप छोड़ दीजिए और रात में सो जाइए। आपको मैं इसे दिन में भी यूज़ करती हूँ, जब मैं मुझे कहीं बाहर जाना नहीं होता है तो मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, बट नाइट में आप यूज़ करिए आपको, लेकिन आप डेली यूज़ करिए। इससे आपके स्किन की ड्राइनेस जाएगी, पिगमेंटेशन जाएंगे, डार्क सर्कल्स जाएंगे, आपके स्किन में एक अलग सा ग्लो आएगा, आपकी स्किन ज़्यादा नहीं थोड़ी ब्राइटन दिखेगी। इवन आपके स्किन में अगर पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा डार्क मार्क्स है तो वो भी जाएंगे, लाइट हो गए आपके, ज़्यादा नहीं लेकिन हो गए, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन नहीं है बट मुझे सिर्फ पिंपल्स है। मैं आपको मेरे पिंपल्स की जर्नी के बहुत जल्दी वीडियो शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं अभी डॉक्टर का मेरे पास ट्रीटमेंट चल रहा है, अब मेरा लास्ट ट्रीटमेंट है, उसके बाद मैं आपको पूरा रिव्यू दूँगी। आपको पिंपल्स के मार्क्स के लिए आप ये यूज़ करिए और मुझे ज़रूर रिव्यू देना। ये मुझे कामा से अच्छा लगा है और बहुत कम रेट में बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कामा और ये सेम ही लगे मुझे, लेकिन उल्टा मुझे ये बहुत और अच्छा दिखा। मैं वो कामा मैंने यूज़ किया है बट मुझे उसका कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखा जितना मुझे इसका दिखा है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके प्रोडक्ट्स में एक सैफ्रन ऑयल भी है, मैंने वो भी लिया है। मैं कोई भी चीज़ 1 मंथ यूज़ करके ही रिव्यू देती हूँ, क्योंकि कुछ इफ़ेक्ट दिखना, तो मैं अब ये इसे अब मैं स्टॉप कर दूंगी यूज़ करना। मैं अब यूज़ करूंगी वो सैफ्रन और मैं उससे आपको इफ़ेक्ट दिखाऊंगी। आप ये बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सैफ्रन ऑयल इसका यूज़ करें तो आप वो बॉडी पे यूज़ करिए, आपका पूरा टैन जाएगा, इवन इससे भी आपका टैन जाएगा। यूज़ करना फ्रेंड्स और मुझे ज़रूर रिव्यू देना। ये बहुत कम उसमें आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट, क्वांटिटी तो इसकी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 400 आप एक इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा इससे और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ मुझे रिव्यू देना यूज़ करे बाद। थैंक यू फ्रेंड्स।